नमस्कार। ओम शांति। आज दुनिया में कहा जाता है कि ईमानदारी से इंसान जिया नहीं जा सकता, लेकिन दुनिया के इतिहास इस प्रामाणिकता, इस सत्यनिष्ठा पर भरी पड़ी है। टॉम स्मिथ एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उनका अंतिम समय करीब आ गया था। अपने बच्चों को करीब बुलाकर कहा, बच्चे मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पद चिन्हों पर चलो। उनकी बेटी सारा स्मिथ ने अपने पापा से कहा, पापा आई एम वेरी सॉरी, आप जिस विवेक की बात करते थे, जिस सत्यनिष्ठा की बात करते थे, जिस प्रामाणिकता की बात करते थे, उससे हमें क्या मिला? आज एक पैसा भी हमारे बैंक के अकाउंट में नहीं है। और जिन्हें आप भ्रष्ट कहते थे कि ये रिश्वत लेते हैं, गलत कार्य करते हैं, पब्लिक के पैसे पे मौज करते हैं, आज देखिए उनके बच्चों के पास सब कुछ है, लेकिन आज तो हमारे पास अपना घर भी नहीं है, ये घर भी किराए का है। फिर भी स्मिथ ने उनके सिर पर हाथ फेरा, बेटी के, बच्चे मैं चाहता हूँ तुम मेरा अनुसरण करो। और कुछ समय के बाद स्मिथ सर की डेथ हो गई। स्मिथ सर की डेथ हो गई, सारा कई जगह काम के लिए एप्लीकेशन दिया, जॉब के लिए। एक कंपनी में जब वो गई तो वहाँ के प्रबंधक ने पूछा कि तुम्हारा नाम? उसने कहा, मेरा नाम सारा स्मिथ है। कहा, कौन सी स्मिथ की बेटी हो तुम? कहा, मैं टॉम स्मिथ की बेटी हूँ। कहा, आप टॉम स्मिथ की बेटी हैं? कहा, जी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता कि अब मेरे पिता नहीं रहे। और उसी समय उस प्रबंधक ने अपने सभी कर्मचारियों के सामने कहा कि जानते हो, आज मैं जिस स्थान पर हूँ उसका श्रेय टॉम स्मिथ सर को जाता है। वो मुझे जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, मैं कभी उनको मिला भी नहीं था, लेकिन उन्होंने ही मेरा नाम यहाँ पे सजेस्ट किया था, एंड बिकॉज ऑफ हिम टुडे आई एम इन दिस पोजीशन। और ऐसे महान व्यक्ति के लिए मैं बहुत सम्मान रखता हूँ। और उन्होंने सारा स्मिथ से कहा, आई डोंट वॉन्ट एनी इंटरव्यू, यू कैन ज्वाइन द कंपनी फ्रॉम टुमारो। सारा स्मिथ बहुत अचंभित थी कि मैं जिस पापा के लिए अंतिम समय भी उनसे मैं लड़ रही थी, उनके लिए लोग इतना ऊंचा सोचते। उसे नौकरी ही नहीं मिली बल्कि 1,00,000 पाउंड पर मंथ की सैलरी मिली, बैंगलोर मिला, 2 कारें मिली, ड्राइवर मिले, और बहुत अच्छी तरह से वो जीवन जीने लगी। और बार बार उसके मन में अपने पिता की बात याद आती कि बेटा मेरे पद चिन्हों पर चलना। और मैंने अंतिम समय भी पापा से यही कहा कि तुम्हारे पद चिन्हों पर चलकर क्या मिला, फूटी कौड़ी भी नहीं है, इवन घर भी हम किराए का है। उसे पश्चाताप होता रहा। 2 साल के बाद उस कंपनी के जो मेन इंचार्ज थे वो अमेरिका से आए और उन्होंने कहा कि अब मेरा काम में मन नहीं लगता, लेकिन मैं किसी ऐसे ईमानदार व्यक्ति को खोज कर रहा हूँ जो इस कंपनी की देखभाल ईमानदारी से कर सके। और तब कंपनी के सभी लोगों ने सजेस्ट किया सारा स्मिथ का नाम। सारा स्मिथ का नाम सजेस्ट किया गया, उससे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, पूछा क्या तुम ये जॉब एक्सेप्ट करती हो? उसने सिर नीचे झुकाया, कहा कि तुम टॉम स्मिथ की बेटी हो ना? उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने कहा, यस सर, आई एम द डॉटर ऑफ टॉम स्मिथ।
कहा तुम जीवन में क्या करना चाहती हो? कहा सर मैं ये तो नहीं जानती कि मैं क्या करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि जो कुछ भी आज मैं हूँ उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ तो उसके पीछे मेरे पिता का हाथ है। और सारा रोने लगी। उन लोगों ने कहा कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें तो इतना बड़ा ऑफर मिला हुआ है। और तब सारा स्मिथ ने रिग्रेट के साथ कहा कि सर मैंने जीते जी अपने पिता की कभी वैल्यू नहीं की। मैं उनकी प्रामाणिकता पे, उनकी सत्यनिष्ठा पे हमेशा कुछ ना कुछ बोला करती थी, लेकिन आज मुझे उनकी वजह से ही इतनी बड़ी जॉब मिली और आज आप मेरे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तब उन्होंने पूछा क्या तुम अपने पिता के पद चिन्हों पर चलोगी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कंपनी तुम्हें इसीलिए सौंप रहा हूँ। तब उसने कहा यस सर, पद चिन्हों पर क्या चलूँगी, मैंने तो अपने घर में पिताजी की बहुत बड़ी फोटो लगा रखी है, यानी मेरा घर मंदिर है और रोज़ मैं जब उठती हूँ तो उनको प्रणाम करके, उनको सल्यूट करके ही काम पर आती हूँ। अपने बच्चों को धन दौलत दे या न दे, लेकिन उनमें संस्कार जरूर दे। और वो संस्कार कब आएंगे, जब आपके अंदर होंगे। आपके चले जाने की बात भी आपके संस्कार, आपके गुण, आपकी अच्छी आदतें, आपका बोलना, वही लोगों को याद रहेगा। जैसे कि टॉम स्मिथ के जाने के बाद सारा स्मिथ ने कहा कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपने पिता की वजह से हूँ, मेरा इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। बिकॉज ऑफ माई फादर टुडे आई एम ऑन दिस प्लेस। बिना इंटरव्यू के जॉब मिला और बाद में पूरी कंपनी संभालने का उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। तो हम तो यही कहेंगे कि जीवन में सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता बहुत काम करते हैं। देर सवेर होती है, लेकिन दुनिया में इससे बड़ा धन और कुछ नहीं है। अपने बेटे को गाड़ी, बंगला, कार नहीं दे के जाएंगे, कुछ साल रोएगा, लेकिन अगर संस्कार देकर नहीं गए तो सारा जीवन रोएगा कि तुम्हारा काम था मुझे अच्छे संस्कार देना, तुमने मुझे नहीं दिए। आप सबसे नम्र अनुरोध है कि आप उस मार्ग पर चलिए जिस मार्ग से सही में हमारी नाव हिलती डुलती तो है लेकिन डूबती नहीं है। और यही संस्कार अपने बच्चों में दीजिए, आप भी खुश रहेंगे। आपके जाने के बाद आपके बच्चे भी आपको बहुत प्यार से याद करेंगे। आशा है आप हमारे आशय को समझ गए होंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।